गाइस वेरी वार्मली वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज दोस्तों हम बात करेंगे कंटेंट ऑफ कोर्ट के बारे में। ये हाल ही में बहुत ज्यादा न्यूज में था तो इसलिए हम जानेंगे कंटेंट ऑफ कोर्ट के बारे में। तो दोस्तों ये न्यूज में क्यों था, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। तो दोस्तों क्या हुआ कि अर्णब गोस्वामी को आप जानते ही होंगे, इज अ वेरी फेमस मैन, उनको मुंबई पुलिस ने एक सुसाइड के केस में उनको अरेस्ट कर लिया, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड के केस में अरेस्ट कर लिया। तो वो हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट में उनको बेल नहीं मिली और फिर उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट गए, वहां पे उनको बेल मिल गई, इंटरिम बेल सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया। तो क्या हुआ कि उसके बाद हमारे कुणाल कामरान साहब भाई साहब हैं, उन्होंने क्या किया कि ट्वीट कर दिया अगेंस्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट के जो बेल देने पर, हमारे जो अर्णब गोस्वामी को जो बेल दिया उस पर भाई साहब ने कमेंट कर दिया। तो इस वजह से इन पे कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस हो गया। और तो आज हम इसी वजह से हम जानेंगे कि कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है वो है क्या, कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है वो का केस कोई भी कर सकता है इंडिविजुअल, किसी इंडिविजुअल के अगेंस्ट, या उसको किसी के कंसेंट की जरूरत पड़ती है, या हमारे जो अटॉर्नी जनरल हैं उनका क्या रोल है कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट में। और ये भी जानेंगे कि जो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वो क्या कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है केस जो है उसका खुद से कर सकती है या नहीं कर सकती। तो चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्तों सबसे पहले कॉन्टेम्प्ट का मतलब जानते हैं। कॉन्टेम्प्ट का सिंपल मतलब होता है क्रिटिसाइज करना, निंदा करना किसी का भी। तो आप कोर्ट की निंदा करते हैं, मतलब अगर आप कोर्ट की निंदा करते हैं तो आपके कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस हो जाएगा। तो आप सोचेंगे कि यार ये तो मेरा फ्रीडम ऑफ स्पीच के अगेंस्ट है। दोस्तों मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि जो फंडामेंटल राइट है वो हमारा एब्सोल्यूट राइट नहीं है, उसको रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है ऑन द सम ग्राउंड। तो आपको मैं ग्राउंड बता, तो दोस्तों वो कौन से ग्राउंड्स है जिसपे आपको आपके जो फंडामेंटल जो राइट है, जो स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, उसको रोका जा सकता है। तो दोस्तों सबसे पहला है सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। अगर आप किसी हमारे इंडिया की जो सॉवरेनिटी है, इंटीग्रिटी है, उसको हानि पहुंचा रहे हैं, उसको लॉस पहुंचा रहे हैं, तो आपके जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच को रोका जा सकता है। अगर आप सिक्योरिटी ऑफ स्टेट के लिए थ्रेट है तो भी आपको रोका जा सकता है। अगर आप फ्रेंडली रिलेशन जो है हमारे जो फॉरेन स्टेट से उसको बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो भी आपको रोका जा सकता है। अगर आप पब्लिक ऑर्डर को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो भी आप पे रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। अगर आप डिसेंसी एंड मोरालिटी के अंडर भी लगाया जा सकता है, और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, अगर कोर्ट की आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उसके जजमेंट की क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उसके प्रोसीजर को नहीं मान रहे, तो आप पे ये जो रिस्ट्रिक्शन है लगाया जा सकता है। और आप किसी पे डिफेमेशन भी कर, डिफेमेशन मतलब किसी का मानहानि कर रहे हैं, तो भी जो केस क्या कहते हैं रिस्ट्रिक्शन है वो लगाया जा सकता है। तो इस वजह से जो कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है वो हमारे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के अंडर आता है, इस वजह से आप पे ये केस किया जा सकता है और आप पे जो जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उसको रोका जा सकता है अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों मैं कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट का सिंपली मतलब ये बात बता देता हूँ कि जो अगर आप कि कोर्ट का जो अगर आप किसी भी तरीके से आप उसकी क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उसके मतलब कि उसकी वैल्यू गिराने की कोशिश कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप जजमेंट नहीं मानते किसी भी कोर्ट का, या उसके प्रोसीजर को नहीं मानते, या उसका उसको स्कैंडलाइज कर रहे हैं, तो वो आपको कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा। दोस्तों कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी दो टाइप के होते हैं, एक सिविल कॉन्टेम्प्ट एंड क्रिमिनल कॉन्टेम्प्ट। दोस्तों सिविल कॉन्टेम्प्ट का सिंपल मतलब ये होता है कि अगर आप सिंपल प्रोसीजर को नहीं मान रहे, जजमेंट को नहीं मान रहे, तो आपका सिविल कॉन्टेम्प्ट कहा जाएगा। लेकिन वही क्रिमिनल कॉन्टेम्प्ट का सिंपल मतलब ये है कि आप जो जो हमारे जो कोर्ट है, हमारे जो सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट है, उनका उनको आप स्कैंडलाइज कर रहे हैं, मतलब उनकी जो वैल्यू है पब्लिक में गिराने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसको क्रिमिनल कॉन्टेम्प्ट माना जाएगा। और वही देखे दोस्तों इसको कॉन्टेम्प्ट ऑफ जो कोर्ट जो केस है उसको कौन इनिशिएट कर सकता है। दोस्तों अगर हम कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो एक्ट है 1971 है उसके अंडर देखा जाए, तो सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट है वो खुद से ही एक्शन ले सकते हैं। कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है उसके अंडर वो खुद से ही सुओ मोटो ले सकते हैं, और दूसरा अटॉर्नी जनरल जो है वो केस कर सकते हैं, और तीसरा अगर आप किसी कोई इंडिविजुअल है वो करना चाहता है किसी का अगेंस्ट कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस, तो उसको सबसे पहले रिटर्न में एडवोकेट जनरल का कंसेंट लेना पड़ेगा, तभी वो बंदा कर सकता है। तो दोस्तों आप जो कुछ पनिशमेंट्स होती हैं कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंडर, तो कुछ ज्यादा कुछ खास पनिशमेंट नहीं होती, 6 मंथ की आपको सजा मिल सकती है, या आपको 2000 तक का फाइन लगाया जा सकता है, दोनों लगाया जा सकता है। वो टोटली कोर्ट पे डिपेंड करता है कि कोर्ट कैसा एक्शन लेती है।
लेकिन दोस्तों 2006 में एक अमेंडमेंट भी किया गया था इस कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट केस में, कि जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट जो है, वो किस केस में जो है क्या कहते हैं कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस नहीं कर सकती। अगर कोई कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट दोस्तों करता है केस, मतलब कॉन्टेम्प्ट करने की कोशिश करता है कोर्ट की, तो अगर वो बोनाफाइड होता है, मतलब कि पब्लिक इंटरेस्ट में होता है, तो उस पे केस जो है, उस पे जो कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो केस है वो नहीं हो सकता। कुल मिला के अगर पब्लिक इंटरेस्ट में जो भी बोलता है कोई भी बात, मतलब कोर्ट का केस, तो वो जो है उस पे कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस नहीं हो सकता, ये 2006 एक्ट में बताया गया है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।